उत्तराखंड में मानसून सीजन से पहले सभी तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक की। मुख्यमंत्री धामी ने सभी अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। इस बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित शासन के सभी अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। मानसून सत्र हमेशा से हमारे लिए एक चुनौती जैसा होता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में हमको आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, नदी नालों की जो बाढ़ आती है उसका भी सामना होता है, जल भराव होता है। तो उसी से संबंधित क्योंकि आगे हमको किस प्रकार से काम करना है, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्शन मोड में रहे और जहां भी जरूरत हो उससे पहले से जो तैयारियां करनी है वो सब तैयारियों के लिए, ये कहीं जहां साफ सफाई होनी है साफ सफाई हो, कुछ जगह पर जो नाले बंद हो गए हैं उन सबको खोला जाए, कहीं पर जो है कूड़ा जमा हो जाता है वो सब चीजें, और साथ में ऐसे समय में रोडें बंद हो जाती हैं तो रोडें भी खुलें, चूंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है तो उसका भी विशेष रूप से, चूंकि यह है कि कहीं मार्ग ज्यादा लंबे समय तक अवरुद्ध न हो, तो इन सब विषयों पर बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए 10 जुलाई की तिथि तय की गई है। मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, हम जनता के बीच जाएंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। और हमारा प्रयास होगा कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। हम लोग चूंकि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा था, विधानसभा की तैयारी करेंगे। गंगा में राफ्टिंग करने वाली कंपनियों को शायद पर्यटकों की जान से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए राफ्टिंग कंपनी के ड्राइवर कभी शराब पीकर वाहन चलाते हुए गिरफ्तार हो रहे हैं तो कभी बिना परमिट बिना फिटनेस के सड़क पर वाहन दौड़ाते हुए पकड़े जा रहे हैं। राफ्टिंग कंपनियों की इस लापरवाही का खामियाजा कभी भी पर्यटकों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ सकता है। गोविंदपुर दादूपुर के हृदय कॉलोनी में आबादी के बीच गुलदार आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्राम पंचायत गोविंदपुर दादूपुर के ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार वसीम अबरार ने बताया कि आज यानी मंगलवार सुबह लगभग 6 बजे उठकर देखा तो एक बकरी और एक बकरा जो बुरी तरह से किसी जंगली जानवर ने नोच कर मार रखे थे। जब उन्होंने घर के पास लगे CCTV कैमरे देखे तो एक जंगली जानवर आता दिखाई पड़ा। मैं लगभग जो है हमने जो CCTV के आधार पर जो हमने देखा 1 बजे के लगभग जो है ये तेंदुआ अंदर घुसा हुआ। अब वो तेंदुआ है या बिल्ली है ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा वीडियो से, क्योंकि वीडियो जो है वो दूर की बनी हुई है। हमें लगभग सुबह के लगभग जब 4-1 बजे हम उठे तो हमें जब देखा तो हमारी जो एक बकरी थी और एक बकरा था उसने दोनों को जो है फाड़ दिया था और दोनों के दोनों कभी मर गए थे। तो उस वीडियो में ऐसा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि गुलदार है या जंगली बिल्ली है, क्योंकि वीडियो काफी दूर से बना हुआ है, ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है हमारे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सामान्य लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाने हेतु सभी राजनीतिक दलों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने उपचुनाव के दौरान भी शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के लिए सभी राजनीतिक दलों से इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन के दौरान मतदाता द्वारा पहचान हेतु फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के साथ ही 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों का प्रयोग भी किया जा सकता है। सांसद का चुनाव जीतने के बाद आज हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे और सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पत्रकारों का भी वे आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने उनकी खबरें जनता तक पहुंचाने का काम किया, उनकी तमाम अपीलों को जनता तक पहुँचाया। सहयोग आप लोगों ने चुनाव में किया है, हमारी बात जनता तक पहुंचाई है। इस बीच हमारा कार्यकर्ताओं से कई बार मिलना हुआ है, अब हमको जनता का आभार प्रकट करने की दृष्टि हम कार्यकर्ताओं से विचार करेंगे, क्योंकि आचार संहिता भी लग चुकी है और आदर्श आचार संहिता प्रारंभ हो गई है। तो कार्यकर्ताओं से बैठ करके जनता का आभार हम कैसे, मतदाताओं का आभार हम कैसे प्रकट करेंगे उसके बारे में आज हम मिले हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं हरिद्वार लोकसभा की जनता का आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतने प्रचंड बहुमत के साथ हरिद्वार लोकसभा जिताकर और मुझे सांसद यहां से बनाकर भेजा।
कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी की अध्यक्षता में आज कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। मंगलवार सुबह कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में इकट्ठा होकर कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एशले हॉल चौक पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। दरअसल कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है, नीट जैसी परीक्षाओं में धांधली हो रही है। युवाओं का शोषण हो रहा है, युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो इन्होंने टोल दूध के और आवश्यक चीज़ों के जो रेट बढ़ाए हैं, इसमें ये कमर तोड़ने का काम किया है दोबारा से जनता, और साथ साथ चार धाम में जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, तो सब चीज़ें इनकी गवर्नेंस पे सवाल उठाती है। इन चीज़ों पे आज हम लोगों ने इनके विरोध पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है।